बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो। हमने जो भी कुछ सीखो है ना, वो गुरु महाराज जी की तरफ से सीखो है, और उन्हीं एक ऐसो जीवन जो है ना हमने जीणु सिखायो, और गाय के प्रति बहुत ज्यादा लगाव बताए गुरु महाराज जी जो है ना, वे गाय की सेवा बचपन में उठे गांव में भी करता, जब महात्मा जी ना बना था ना उस टाइम पर भी जो है वो गायों की खूब सेवा करते थे, और गाय को जो है उन्होंने जीवन का अंग बना लिया था। ये नहीं पहले ठीक से गौशाला में 20 गाय हैं और रख लो और उनकी सेवा कर दो, वो नहीं, वो सुबह शाम 5 बार कम से कम जो है गायों को देखते। एक बार तो सुबह सुबह जब जो है घूम के आता, 4:45 बजे 5:40 4:40 पर जो है लगभग आता, तो सारी गाय जैठे बाहर बैठे तो बाहर घूम के आता, और जो ना अंदर बैठे तो अंदर। फिर जैसे विश्राम से वापिस आते तो सब गायों को पानी पिलाते घर में, और सबको जो है ना वो इसको इधर बांध दे, इसको इधर बांध दे, इसका स्वभाव कम मिलता है, इसको जो है ये चीज़ कम खिलाया करो, सब गायों से आराम से जो है वो करते। फिर शाम को 5 बजे बाहर घूम के आते, तो घूम के आते तो वापिस जो है ना जैसे ही आए तो जैसे ही जो है ना वो सब गायों के पास गमछे से उनकी मक्खी उड़ानी, उनकी लाश साफ करनी, उनको जो है प्यार करना, ये भी उनके बाद में होता। फिर लास्ट में 10 बजे सोन लागता ना, 10:15 बजे उन टाइम को ऊपर अंदर सर्दी के में अंदर भी जाके आता, और सब गायों को गोबर गलवाता, और सब ने जो है ना अलग अलग रूप से सब सबसे बात करके और उनसे भोजन करता। तो असर जब ज्यादा हुआ है जब गाय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, नहीं तो आपने सब लोग जो है ना, अब गौशाला की स्थिति धीरे धीरे कमजोर क्यों हो गई, और कि वो उनसे आय से जोड़ दी उन गाय में अपने जो है ना इतना फायदा हो जाओगे, अब यो यो बेच देवा, यो खिला देवा, यो कर देवा, जनता को आयोड़ो पैसों खुद के काम में जब लेने लग जाओ है ना, तब यूं सोच लो जो है ना गौशाला सही चल रही। गौशाला जब चलेगी जब गाय की चीज गाय तक पहुंचे, और यो मारो 50 साल का अनुभव है कि गाय की चीज गाय तक पहुंच जाओ, फिर जो है ना गाय के पीछे 10 आदमी और भी भोजन करो, अपनी खुद की पूर्ति तो होती है, और 10 या कहीं अगर 10 गायों को आप पालन कर सको तो 9 रखो, पर गाय को जो है ना गाय के रूप में ही देखो। गाय को अगर स्वार्थ के रूप में देखोगे तो गाय जो है ना फिर बस वो आनंद नहीं देगी। पैसा इतना है गाय माता का, गाय माता तो ऐसे संसार में सबसे धनवान है, गाय की चीज गाय तक पहुंच जाओ। कोई भी गांव ऐसा को नहीं जाए गांव में जो है गोचर भूमि ना हो, अपना बुजुर्ग सारा जो है गोचर भूमि को ऐसा प्रबंध कर दो आगे गाय जो है वो किसी तरह से भी मतलब आराम से रह सके। आप गोचर भूमि ने तोड़ ली जो है उनको में जो पैसा आ गया वह खुद का काम में लेने लग गया, तो फिर बाद में जो है उनको परिणाम बहुत अब, और वो बेचैनी करे है, और इतनी बेचैनी करे है रात न नींद को नहीं आवे, दिन में भूख कौन लागे, परिवार में इतनी जो है बेचैनी आ जाओ है, कोई कहीं को कणु कौन माने, बहुत बीमारी आ जाओ है, मतलब इतनी इतनी बेचैनी है कि वो 1 सेकंड भी जो है खुश को नहीं रह सके। आंतरिक खुशी जो है माँ बाप की सेवा और गाय माता की सेवा है, आंतरिक खुशी देवे है। गुरु महाराज ने बहुत स्नेह से बताई, या जो है लला ऐसी चीज है कि आपको पालन करे है, परिवार को पालन करे है, और वो हमने देखने मिली है। आप जो भी यहाँ आश्रम में सुख शांति देख रहे हो ना, यह सारी गाय की कृपा को परिणाम। आप आया गाय भी खूब आराम से रहो हो, मेहूर रेणिया भी खूब आराम से हाँ, और गाय माता भी खूब आराम से। और गाय के प्रति तो जो है ना आदमी का सिर्फ भाव है ना, पैदल कौन जा सके, ऊन जो नीरो कौन जाल सके, उनको गोबर कौन उठा सके, ठाणु कौन, पर ऊन अपनी मान ली अपनी है गाय माता, तो अपनी है, तो फिर पसो ने अपने आप ही शांति मिली।